दोस्तों बिग बॉस ऑडिटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय यदि आप मनीषा रानी और एल्विस भाई की बातों को सुनेंगे तो आप भी अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों बातें ही ऐसी कर रहे हैं जिसे सुनकर फ्रेंड्स को जाहिर सी बात है कि हंसी तो आ ही जाएगी। दरअसल दोस्तों पहले मनीषा नाश्ता कर रही थी और इस दौरान एल्विस जो है वो अपने पूरे फेस पर शॉल ओढ़ कर आ जाते हैं और मनीषा रानी के पास में बैठ जाते हैं और मनीषा इस दौरान कहती है कि क्या बात है, आज तो आपने सुबह सुबह परफ्यूम लगा लिया और ऊपर से आपने ये जो शॉल ओढ़ा है घूंघट लगाया है ना, तो हमारा तो ऐसे फिर ऐसे मन अजीब सा होने लगता है, हम थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। ये सुनते ही दोस्तों एल्विस तुरंत ही अपने शॉल को हटा देते हैं फेस से और कहते हैं कि तुम्हारे तो सालों का सोच ही खराब है, तुम्हारा तो सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ये सुनकर मनीषा रानी काफ़ी शर्मा जाती है। वहीं दोस्तों इसके बाद में दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ ओटीटी वाले बेड में बातचीत करते हुए रहते हैं और इस दौरान मनीषा रानी एल्विस को बताती है कि हम ना बाहर भी ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनकर काफ़ी हंसते हैं, लोगों को मेरी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पता है क्यों लोग अपनी हंसी को रोक के रखते हैं, क्यों हमारी बातों पर नहीं हंसते? क्योंकि हम सबका कॉम्पिटिशन है ना, इसलिए लोग जानबूझ के नहीं हंसते हमारी बात को सुनकर, लोगों को लगता है कि इसकी बात पर क्यों हंसे, ये तो हमारी कॉम्पिटिटर है ना। जिसके बाद में एल्विस कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, ट्रू कह रही हो तुम बिल्कुल। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर मनीषा रानी एल्विस भाई से पूछती है कि क्या आप अपने जो वीडियोस वगैरह बनाते हो उसमें लोगों के पहले कास्ट करने से पहले इंटरव्यू लेते हो क्या? इस पर एल्विस ने बताया कि हाँ ये तो लेना पड़ता है, हम कास्टिंग करने से पहले सबका इंटरव्यू लेते हैं। जिसके बाद मनीषा पूछती है कि आपको कैसे लोग पसंद है, ज़्यादा बोलने वाले या फिर कम बोलने वाले? जिसके बाद एल्विस बताते हैं कि मुझे ना हर टाइप के लोग पसंद है। ज़्यादा बोलने वाले लोग दो तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं ज़्यादा बोलने वाले जिनकी बातें सुनने में मज़ा आता है और एक वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं जिसका मुंह खुलते ही ऐसा मन करता है कि भाई तू तो चुप ही हो जा, बोल ही मत। इसलिए मेरे को ना जिसकी बातें अच्छी होती है उसकी बातें सुनना पसंद है, बातें अच्छी होनी चाहिए चाहे फिर वो कम बोलो या ज़्यादा। जिसके बाद मनीषा कहती है कि अच्छा अब मैं समझी, आप मुझे इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि हम ना बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करें और हर बार आपसे फ्लर्ट करें ना, तो थोड़ा अलग सा फ्लर्ट करें, अलग स्टाइल में फ्लर्ट करें। और इस पर एल्विस ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि यार तू क्या लड़की है, तेरे को कोई समझा ही नहीं सकता। और बाद में एल्विस ने कह दिया कि हाँ मैं यही कहना चाहता था कि तू कुछ अलग कर, हर बार कुछ अलग कर, एक ही तरीके का मत किया कर। और ये सुनकर मनीषा रानी हंसने लगती है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरी बातें कर रहे हैं। आपको कैसे लगी इनकी कॉन्वर्जेशन, अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।